नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi 8A Pro पर कॉल फ्लैश लाइट सेटिंग अगर काम नहीं कर रहे या फिर आपका कॉल फ्लैश लाइट काम नहीं करते हैं तो कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ ठीक है तो यदि आपको इस तरह का कोई भी इशू आ रहा है कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं आपके फ्लैश लाइट पर मैनुफेक्चरल डिफेक्ट हो सकते हैं यदि आपका फ्लैश काम करते सिर्फ कॉलिंग पे काम नहीं कर रहा है कॉल फ्लैश लाइट नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको इसके लिए सेटिंग और सॉल्यूशन दोनों करना होगा जिससे कि आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा ठीक है सबसे पहले चीज़ आपका फ्लैश लाइट काम करना चाहिए तभी आपका कॉल फ्लैश लाइट भी काम करेगा तो वीडियो को पूरा देखिए और सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए सेटिंग को कर लीजिए और आज की इस वीडियो को के आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है आपको दोस्तों जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग पर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशंस जो है वो फॉलो करना होगा ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको नीचे में जाना है नीचे आपको मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन ऐप्स में जाके मैनेचप को ओपन करें उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है फ़ोन सर्विस के अंदर पे फोर्स टॉप करके ओके करना है क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर ऑल डेटा करके ओके कर देना है तो ये करने के बाद आपको बैक करना है बैक करने के बाद आपका जो सेटिंग है उसमें जाइए सेटिंग को फोर्स स्टॉप करके ओके कीजिए क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर ऑल डेटा करके सेटिंग को भी रिसेट कीजिए जिससे कि आपका सेटिंग रिसेट हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम चांस नहीं लेगा हम दोस्तों यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर को भी क्लियर करेंगे ठीक है उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको फोर्स फोर्स्टॉप करते हैं और उसके बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर ऑल डेटा करके इसको ओके okay करना है उसके बाद एप परमिशन पर जाइए और इसका बहुत सारे परमिशन होते हैं तो आपको पूरा परमिशन जो है यहाँ पर अलाउ करना होगा ठीक है आप देख सकते हैं टेलीफोन स्टोरेज एसएमएस माइक्रोफोन तो सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होते हैं तो पूरा के पूरा जो परमिशन सेटिंग है उसको अलाउ करना होगा आपको जल्दी जल्दी करके और उसके बाद आप जो है एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट कर ले रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों जाइए अपने डायलर पर थ्री लाइंस पर क्लिक कीजिए सेटिंग पर जाइए और उसके बाद इनकमिंग कॉल सेटिंग पर जाके ये सेटिंग को इनेबल कर दे अगर इनेबल है तो डिसेबल करके इनेबल कीजिए अगर इनेबल ही नहीं किया है तो इनेबल कर दीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों कॉल करके देखिए प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका होगा ठीक है तो सिंपल सा मेथड है इससे आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा बाई एनी चांस यदि प्रॉब्लम रह जाते सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों आप मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं मोबाइल सॉफ़्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग अबाउट फोन पर अपडेट पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं जैसे आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे तो आपका जो इश्यू है वो भी फिक्स हो जाएगा ठीक है आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री डेटा के लिए भी जा सकते हैं लेकिन दोस्तों इतना जो प्रोसेस है वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है अपडेट कर दीजिए सॉफ्टवेयर को इससे काम बन जाएगा ठीक है और फैक्ट्री डेटा यहाँ पर दोस्तों ये भी एक सॉल्यूशन है इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर प्रॉब्लम एकदम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ही दोस्तों आप उस प्रोसेस के लिए जा सकते हैं ठीक है और आज के इस वीडियो पर बस इतना ही यदि इसके रिलेटेड में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं या तो फिर आप टेक्नीशियन को भी जाके दिखा सकते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है तो आज के लिए बस इतना भी वीडियो ख़त्म करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग